Hi everyone, how are you all? So again, I am available for you all to present another class. आज मैं वापस आपके सामने उपस्थित हूँ अगली क्लास के लिए. और अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, और पहले का क्या किया है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. जस्ट वॉच. तो हम लोग जो हाउ टू लर्न सीरीज चलाई है, हाउ टू लर्न सीरीज में पहले टेंसेस सीख रहे हैं, बाद में और भी सारी चीज़ें सीखेंगे. पहले स्ट्रक्चर सीख लें, फिर वर्कअप का नंबर भी आने वाला है. तो प्रेजेंट से पास्ट में मैंने क्या क्या आपको बताया और कैसे शिफ्ट किया वो सारी चीज़ें मैंने एक शॉर्ट लिस्ट बना रखी है. हम लोगों ने शुरुआत की थी इफ़ यू रिमेंबर प्रेजेंट सिंपल से, और उसका बेसिक फॉर्मेशन जो है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म एसीएस का प्रयोग करते हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता ही आपको, आगे पीछे लेना. उसको शिफ्ट किया पास्ट सिंपल में, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म शिफ्ट होकर किस पे चला गया, सेकंड फॉर्म में. इतना ही है. इधर से जब लिखते हैं एसीएस या वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके तो ता है का हिंदी मीनिंग निकलता है, इधर या ही है, जैसा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा. और नहीं देखा है तो जस्ट वॉच प्रीवियस वीडियो, एवरीथिंग इज अवेलेबल. उसके बाद मैंने बी फॉर्म बताया था आपको प्रेजेंट का, जो कि मेन वर्ब की तरह यूज होता है. बी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इज आर एम. इज आर एम से हिंदी अर्थ आता है हे, और ये मेन वर्ब की तरह कार्य करता है. और इसीलिए उस समय मैंने बताया था कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट सिंपल, बट इट हैज टू बी कंसिडर्ड. वाई? बिकॉज दिस इज फर्स्ट फॉर्म ओनली, फर्स्ट फॉर्म ही है. लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म वैसे यूज नहीं होता है जैसे एस सी एस वगैरह लगा के. कई लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं इज आर एम देखते ही, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो सोचते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल नहीं है. सिर्फ इज आर एम अगर यूज हो रहा है एज ए मेन वर्ब है और वो प्रेजेंट सिंपल की श्रेणी में मान सकते हैं, वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट सिंपल की श्रेणी में इज आर एम को माना है, वैसे ही अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं बी फॉर्म को और ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो वॉज वर्ब हो जाता है पास्ट के लिए, और इसकी हिंदी मीनिंग निकलती था. अब ये एग्जैक्टली पास्ट सिंपल तो नहीं है, बट ये पास्ट सिंपल की तरह ही कार्य करता है, जैसे मैं अभी आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स में करके बताऊंगा आज. तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा. अब बी फॉर्म यूज़ करके और प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाया था हम लोगों ने, और मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बता रखा है कि कंटिन्यूटी मीन्स यू हैव टू यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो देखो मैंने यहाँ आईएनजी लिखा है. अब कैसे अर्थ निकाला था पहले वो भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ. रहा और ये है, दोनों मिलकर रहा है हो गया. वैसे अगर मैं यहाँ पे अब आईएनजी जोड़ देता हूँ इस बी फॉर्म के साथ में तो अब ये रहा था हो जाएगा. तो हम समझ सकते हैं कि पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही अंग्रेजी का. प्रेजेंट से पास्ट शिफ्ट करने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज चेंजिंग टू सेकंड फॉर्म, इज आर एम चेंजिंग टू वॉज वर्ब. इतने में ही हम लोग इतने सारे चेंजेस देख लेते हैं. तो ये तो जो मैंने प्रीवियसली किया था वो, और कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं पास्ट में. नाउ कम दिस साइड, टुडेज टॉपिक इज पास्ट कंटिन्यूअस. आज का जो टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस, नाम से ही पता लग रहा है क्या कंटिन्यूअस में था एक्शन, वो सब घटनाएं पास्ट में हो चुकी है. तो अगर मैं बोलूं कि अभी अगर मैं एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य बोलता हूं कि वो खेल रहा है, जैसे ही उसका खेलना बंद हो जाएगा यही वाक्य बन जाएगा वह खेल रहा था नेचुरली. तो अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करता हूं ही इज प्लेइंग, लेकिन जैसे उसने खेलना बंद कर दिया इट विल बिकम ही वॉज प्लेइंग. तो शिफ्ट क्या हुआ, इज वॉज में शिफ्ट हो गया, रेस्ट रिमेंड सेम, बाकी चीज़ें तो वैसे वैसी रही. तो इतना आसान से स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी का. फाइनली प्रॉब्लम कम्स विद द वर्कअप. इफ यू डोंट हैव गुड वर्कअप देन दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट सो यूजफुल. सो प्लीज़ कीप बिल्डिंग अप योर वर्कअप, बिकॉज इट कैनॉट बी बिल्ट इन अ डे और टू, इट टेक्स मंथ्स टुगेदर. बहुत समय लगता है, महीनों लग जाते हैं बिल्डअप करने में. सो प्लीज़ स्टार्ट बिल्डिंग अप इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. नाउ कम हियर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोलने के लिए भी, लिखने के लिए भी हमें कुछ एडवर्ब्स की जरूरत पड़ती है विच इंडिकेट्स डायरेक्टली कि कौन से टेंस की रिक्वायरमेंट है. अब यहाँ पे मैंने तीन एडवर्ब लिखे हैं. वैसे भी आपको बेसिक नॉलेज हो तो पहले से पता होना चाहिए कि दिस से दैट हो जाता है पास्ट में. वही हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, जो एडवर्ब थे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, वो सारे चेंज होके इस फॉर्म में आ गए. एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, और दिस डेज जो था वो दोज डेज में कन्वर्ट हो गया. अगर ये तीनों में से आपको कोई भी दिखाई देता है इट मीन्स इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द पास्ट कंटिन्यूअस. आपको पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए. स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ही तैयार कर लिया था शिफ्ट करके, लेकिन मैंने फुल स्ट्रक्चर लिख दिया है.
सब्जेक्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, इस स्ट्रक्चर से जब हम लिखेंगे तो नेचुरली मैंने लिखा था शॉर्ट में, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर से जब हम लिखेंगे तो आपको हिंदी ऐसे निकलने वाली है, रहा था, रही थी और रहे थे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। अब अगर वो भी कन्फ्यूजन रह जाता है बाय द वे कि भाई आई के साथ क्या यूज़ करें, या ही सी इट जो सर्वनाम के केसेस हैं या प्रोनाउन के केसेस बोलें, और नॉन सिंगुलर केसेस में तो कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, तो वॉज को यूज़ करेंगे, यू वी दे नॉन प्लूरल के लिए वर्ग का प्रयोग करेंगे। बस ऐसे ही याद रखना है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन से अगर आप याद रखोगे भूल जाओगे। अब मैं और डिफाइन कर देता हूँ, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब हियर एंड दिस इज योर मेन वर्ब। अब मैं कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स यहाँ पे पास्ट का लेता हूँ और उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूस का। सपोज बी फॉर्म का इशू है, पहले बी फॉर्म वाला कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही ब्लैंक बनाया, बी फॉर्म दे दिया, बी फॉर्म मतलब भरना है, अवेलेबल टुडे। नेक्स्ट ब्लैंक भी बिल्कुल बी फॉर्म का ही मैं बना रहा हूँ, ये बी है, अवेलेबल ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल वो का वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एडवर्ब चेंज करके मैं इसको यस्टरडे लेके आ रहा हूँ। अब आप समझ सकते हो कि बी फॉर्म प्रेजेंट के लिए हमारे पास में ये है और बी फॉर्म पास्ट के लिए हमारे पास ये है, तो ये प्रेजेंट में जा रहा है इसलिए प्रेजेंट सिंपल की श्रेणी में आ जाता है ये, लेकिन एग्जैक्टली प्रेजेंट सिंपल नहीं मानते हैं इसको, बी फॉर्म की स्टडी अलग करनी पड़ती है, कई सारी जगह पे बी फॉर्म अलग अलग तरीके से यूज होता है। ये आपका इज हो गया, ही इज अवेलेबल टुडे, सो हियर इज इज मेन वर्ब, इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। ही वॉज अवेलेबल यस्टरडे, घटना पास्ट की है, तो अगर देखा जाए इज अगर फर्स्ट फॉर्म है तो वॉज सेकंड फॉर्म है, तो अगर हम मैच करें तो ये मैच हो रहा है कि नहीं, और प्रेजेंट सिंपल की श्रेणी में ही आ जाता है और ये पास्ट सिंपल की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन फिर भी पास्ट सिंपल में वर्ब सेकंड फॉर्म, वैसे मेन वर्ब होते हैं वो सेकंड फॉर्म यूज होता है, पर ये भी सेकंड फॉर्म ही माना जाएगा अगर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इज आर एम को, तो ये वॉज वर्ब बन रहा है, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल मीन सेकंड फॉर्म, बट सेकंड फॉर्म बाकी वर्ब्स के लिए अलग तरह से यूज होता है, बी फॉर्म के लिए हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ऐसे तो बी फॉर्म का जो सेकंड फॉर्म होता है बीन होता है, अगर वैसे अगर आप देखोगे किसी भी ग्रामर की बुक में तो ये है, तो क्या मैं इस बी को ऐसे बीन यूज़ कर सकता हूँ, या क्या इस बी को मैं ऐसे बी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता ना, अगर मैं करूँगा तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा इसका, इसीलिए उसको ट्रांसफॉर्म करके लिखते हैं। तो आई होप ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, फिलिंग दी ब्लैंक से थोड़ा और समझते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, सी ब्लैंक राइट ए नोवल, आई हैव टेकन एडवर्ब दिस दिस, ओके, सेम ब्लैंक आई एम टेकिंग हियर, सेम वर्ब आई एम टेकिंग हियर, नाउ आई एम पुटिंग एडवर्ब दोज दिस। दिस इज द डिफरेंस विच वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन, एंड वाइल स्पीकिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो वी नीड दिस ओनली, दिस इज अ वे टू मेक यू अंडरस्टैंड ईजिली, दैट्स वाई दिस पैटर्न इज बींग फॉलोड। इस पैटर्न को क्यों फॉलो किया जाता है, जिससे कि जल्दी समझ में आ जाए, ये ट्रांसलेशन के लिए भी काम में आ जाता है और सब कुछ समझ में आ जाता है, स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाता है। अब जैसे ही आपने देखा यहाँ पे दीज डीज है, नेचुरली यू हैव टू कीप इन द माइंड कि अभी हमें को प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉर्मेशन आपके पास में नहीं है लिखी हुई अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज आर एम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो सी के साथ क्या बताया था वही आ जाएगा, इज राइटिंग, वह लिख रही है एक उपन्यास इन दिनों, ऐसा अर्थ निकलेगा। अब मुझे दोज डेज दे दिया, दोज डेज दे दिया, इसका मतलब उसकी डिमांड जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की है, ईज की जगह वॉज शिफ्ट हो गया, बाकी चीज़ें तो वैसी की वैसी रहेगी, और अब हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, कि वह लिख रही थी एक नोवल उन दिनों,
बस इतना छोटा सा ही फर्क है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस शिफ्ट करने में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी फॉर्म प्रेजेंट से पास्ट में कैसे शिफ्ट होता है, बी फॉर्म अगर ब्रैकेट में आ गया तो उसको कैसे भरना है, प्रेजेंट के लिए कैसे भरना है, पास्ट के लिए कैसे भरना है, सिंपल का प्रयोग कैसे करेंगे, कौन कौन से एडवर्ब से करेंगे, पास्ट का कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से एडवर्ब करेंगे। इफ़ यू कीप डूइंग ऑल दिस थिंग ऑटोमेटिकली यू विल इम्प्रूव योर टेंसेज स्ट्रक्चर एंड यू कैन वेरी वेल राइट, यू कैन वेरी वेल स्पीक ऑल्सो इफ यू बिल्ड अप योर वोकैब। आई थिंक इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप रीडिंग ऑल्सो। विद दैट टूडे आई एंड अप दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच, ओके सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।